फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस गाउन की स्टिचिंग कटिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमने नीचे अम्ब्रेला पार्ट में जो ज्वाइंट कट किए हैं, इन ज्वाइंट को अच्छे से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसमें हम सिंपली जैसे हम लाइनिंग इसमें अटैच करते हैं, उसी तरह से इसको इसमें लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने ज्वाइंट लगाते हुए नीचे से हमने इसमें लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। लाइनिंग को हमने नीचे से ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम ब्लाउज का नेक रेडी करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने जो राउंड नेक लिया है, जैसे हम सिंपल कोई भी नेक बनाते हैं उसी तरह से बनाकर इस नेक को रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन वाला नेक बना सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं जे सिंपल नेक ही बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से जो हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है, अब इसमें हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 10 इंच इस तरह से, और जहां से हम गैप रखेंगे 3.5 इंच का ऐसे, देखिए इस तरह से, और जहां से हम एक साइड वाली प्लेट डालेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी निशान लगाकर इसमें प्लेट डालेंगे ऐसे। जी देखिए, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। और साइड वाले प्लेट भी हम सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी प्लेट्स स्टिच हो चुकी हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ऊपर से 9.5 इंच और नीचे से हम 7.5 इंच इस तरह से निशान लगाते हुए ऐसे निशान को आप में ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, अब हम इसमें नीचे जो हमने अम्ब्रेला पार्ट रेडी किया है उसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से रखते हुए देखिए, इस तरह से इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। देखिए, ऐसे स्टिच लगाने के बाद जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अम्ब्रेला पार्ट का, उसे हम कट कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे कट करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और इसके नीचे हम इंटरलॉक करेंगे। जी देखिए, इंटरलॉक करने के बाद हमने ऐसे इस बैक नेक को रेडी किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी जरूर चेक कीजिएगा। अब हम इस तरह से हमने इसके शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे इसकी फिटिंग करना चाहिए वैसे कर सकते हैं, जहाँ से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी ऐसे सिलाई लगा कर इसकी फिटिंग कर देंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है और नीचे हमने इससे इस तरह से पीको करवा लिया है।
नीचे देखिए। और इसी तरह से हमने इसकी स्लीव को भी अटैच कर लिया है। और स्लीव के नीचे हमने इस तरह से जो गोल्डन कलर की पाइपिंग को अटैच किया है। अब इसके फ्रंट में हम कोई भी पैच इस तरह से लगाकर इसकी लुक और भी अच्छी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। और इसी के साथ ही हमारा जो ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आगे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।